प्रूव दैट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू आयोटा ई रिस्ट पावर माइनस थीटा टेन थीटा बाय टू। नाउ अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, लेट्स सी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ई रिस्ट पावर माइनस टेन, ये नहीं है, ये लिखा हुआ है ई रिस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं कॉस थीटा को लिख दूँ 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में सब थीटा बाय टू में दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसे थीटा बाय टू वाले एंगल्स की फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूँ। तो जगह 1 माइनस 1 और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा का जगह प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस आयोटा में क्या जाएगा, आयोटा में अगेन मैं लिख सकता हूँ टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। अब डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी, डिवाइड करने पे 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सॉरी थीटा बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे थीटा बाय 2 माइनस 1। और प्लस में क्या है, प्लस में है आयोटा साइन थीटा, तो अगेन उसे क्या लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इसे हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स सी। नाउ 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। अब न्यूमरेटर में बचा है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो अगर मैं 2 साइन थीटा कॉमन ले लूं, तो मैंने 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, साइन थीटा बाय 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा बाय 2, लेकिन हमें पता है पोलर फॉर्म क्या थी, कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ टाइप का। तो अगर मैं आयोटा कॉमन लूंगा तो एक आयोटा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास में बचेगा क्या, साइन थीटा बाय टू अपॉन आयोटा, तो आएगा साइन थीटा बाय टू अपॉन आयोटा, तो आएगा साइन थीटा बाय टू अपॉन में आ गया आयोटा, अपॉन में आ गया आयोटा। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा हमारे पास में ओनली प्लस कॉस थीटा बाय टू। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूँ, आयोटा से अगेन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या होगा, न्यूमरेटर में हमारे पास में ओनली आयोटा है, डिनोमिनेटर में हो गया आयोटा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई करता हूँ, डिनोमिनेटर में से क्या कर सकता हूँ मैं 2 cos थीटा बाय 2 वो कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या cos थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाय 2। इसको भी और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नाउ लेट्स सी। तो 2 sin थीटा बाय 2 अपॉन 2 cos थीटा बाय 2 क्या होता है 2 tan थीटा बाय 2, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan थीटा बाय 2, और आयोटा हमारे पास में क्या है कॉमन है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये टर्म हो जाएगी कॉस थीटा बाय टू, और यहाँ लिखा हुआ है माइनस आयोटा साइन थीटा बाय टू, तो ये लिखा हुआ है कॉस थीटा बाय टू माइनस आयोटा साइन थीटा बाय टू। और अगर डिनोमिनेटर में देखूंगा तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉस थीटा बाय टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय टू। तो मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ई रिस्ट पावर माइनस थीटा आयोटा माइनस थीटा बाय टू, और ये लिखा हुआ है ई रिस्ट पावर आयोटा थीटा बाय टू। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो जाएगा, आयोटा टेन थीटा बाय टू, टेन थीटा बाय टू ई रिस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा बाय टू अपॉन ई रिस्ट पावर आयोटा थीटा बाय टू। तो वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से वैल्यू जाएगी इक्वल टू आयोटा टेन थीटा, आयोटा टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई होकर के ये वैल्यू जाएगी माइनस थीटा बाय टू, और माइनस थीटा बाय टू कितना हो जाएगा ई रिस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, और ये हमें प्रूफ करना था। सो नाउ दिस इज इक्वल टू आयोटा टेन थीटा इंटू ई रिस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा, सो दिस इज नाउ प्रूफ, वी कैन सी हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया आयोटा ई रिस्ट पावर माइनस टेन माइनस थीटा आयोटा थीटा टेन थीटा बाय टू, सो दिस इज नाउ प्रूफ। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस question.